बैम्बू फ्रेंच फ्राइज। विलास राव नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ मिलकर पहली बार लड़की देखने के लिए गया। लड़की पद्मा उसे बहुत पसंद आई। पद्मा के पिता जोगेश, बेटा कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारी बेटी खूबसूरत ही नहीं बहुत गुणी भी है। लेकिन बचपन से मेरी बेटी की एक ही कमजोरी रही है, हमारी बेटी फ्रेंच फ्राइज के लिए थोड़ा पागल है। बेटा भूख लगा तो फ्रेंच फ्राइज नहीं दिया तो घर को ऊपर से नीचे कर देती है, बस वो एक ही हमारी बेटी में कमी है। यूं कहा विलास राव। अरे वो कमी कैसे होगी अंकल? अरे फ्रेंच फ्राइज नहीं पसंद करने वाले लोग भला कोई होते भी है क्या? बताइए, वो मैं देख लूंगा, पहले आप शादी का मुहूर्त निकालिए। यूं कहा इस तरह उन दोनों की शादी हुई। वे उस गांव में अपना परिवार शुरू किए। पहले दिन पद्मा, ओ जी नौकरी के लिए हम इस गांव आए हैं ना, इस गांव में कहीं पर भी फ्रेंच फ्राइज नहीं बेचते हैं सुनाई जी, अब क्या करेंगे? यूं बोली विलास राव। वो तो कोई बड़ा मुश्किल पकवान तो नहीं है ना, तुम ही खुद बना सकती हो ना? पद्मा, अरे मुझे फ्रेंच फ्राइज बनाना बिल्कुल नहीं आता जी, मैं जब भी कोशिश करती हूँ वे खराब हो जाते। यूं बोली विलास राव। ठीक है, रोज मैं तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राइज बना कर दूंगा। यूं कहा इस तरह विलास राव ने फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू किया। पद्मा वो सब खा जाती थी। एक दिन विलास राव ऑफिस में था तो पद्मा फोन मिलाकर, ओ जी बाहर मौसम ठंडा ठंडा है, मुझे अभी फ्रेंच फ्राइज खाने का मन करा है, जल्दी आ जाइए। यूं बोली विलास राव। क्या अभी ऑफिस टाइम अभी कहाँ हुआ रे, दो घंटे रुक जाओ ना, आकर बना कर देता हूँ। यूं कहा पद्मा। क्या दो घंटे रुको, वो नहीं चलेगा, मुझे अभी फ्रेंच फ्राइज चाहिए वरना आपके ऑफिस आकर आपके टांगे तोड़ दूंगी। यूं बोली विलास राव दंग रह गया। अरे ये क्या, इसका टोन अचानक इतना बदल गया। हाँ ठीक है, मेरा गाड़ी मेरा कोलीग लेकर गया है, उसके आते ही आ जाऊंगा। यूं कहा पद्मा। गाड़ी नहीं है तो दौड़ कर आओ, क्या बात है मुझसे लात खाने का इरादा है क्या? यूं बोली विलास राव डर कर भाग कर घर आया। इस तरह विलास राव रोज 5-6 बार घर आकर पद्मा के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाता था। एक दिन पद्मा के पिता जोगेश विलास राव को फोन मिलाकर, क्यों दामाद जी आप हमारी बेटी को ठीक से नहीं देख रहे हो, उसने मुझे कल लैब रिपोर्ट्स भेजा है, पूरा शरीर में कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल है, ऐसा ही रहा तो एक दिन दिल का दौरा पड़ जाएगा और वो मर जाएगी, उसे फ्रेंच फ्राइज मत दो वरना आपके ऊपर केस डालकर जेल भिजवा दूंगा। यूं कहा विलास राव। ये क्या मुसीबत है, फ्रेंच फ्राइज नहीं दिया तो वो मुझे फ्राई करके खा जाएगी, और आप कहते हो कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, एक तरफ मेरी नौकरी हाथ से जाने वाला जैसा है, मैं कैसे जीऊं भाई? यूं कहा जोगेश। तुम कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता है, बस वो अब से तेल नहीं खा सकती है बस। यूं कहा विलास राव सर पकड़ लिया। वो उस रात बिना सोए सोचने लगा। अगले दिन घर के आगे विलास राव बैम्बू लकड़ियों के साथ एक चूल्हा तैयार किया। बैम्बू के लकड़ी में आलू कट करके रखा, उस बैम्बू को बंद करके उन्हें चूल्हे पर पकाया। कुछ देर बाद एक बैम्बू लकड़ी से पद्मा के हाथ में जो प्लेट थी उसमें फ्रेंच फ्राइज डाला। पद्मा उसे खाकर देखी, वाओ ऑयललेस फ्रेंच फ्राइज सुपर है जी, मैं ये जितना भी खाऊं मुझे कुछ नहीं होगा, ये बैम्बू फ्रेंच फ्राइज मुझे रोज चाहिए। यूं बोली। इतने में उस महक से एक लड़का आया। विलास राव उसके लिए भी बैम्बू फ्रेंच फ्राइज दिया। वो खाकर स्टीम से भी फ्रेंच फ्राइज बना सकते अभी पता चला अंकल, इन्हें खाए तो मम्मी मुझे कुछ नहीं कहेगी, ये लीजिए पैसे, कहकर 50 रुपए दिया। अब विलास राव को एक ख्याल आया। उस दिन से वो नौकरी छोड़कर घर के आगे ही बैम्बू फ्रेंच फ्राइज व्यापार शुरू किया। आलू होलसेल में मंगाया, उनसे बैम्बू फ्रेंच फ्राइज तैयार किया। उस बैम्बू लकड़ी से कस्टमर के प्लेट में गरम गरम फ्रेंच फ्राइज डालने लगा। बच्चे बड़े सब खूब शौक से खाने लगे।
पद्मा उन फ्रेंच फ्राइज को खाते हुए सबसे पैसे भी लेती थी। एक दिन जोगेश आकर, शाबाश दामाद जी, हमारी बेटी की तबीयत खराब ना हो ये सोचकर इस बैम्बू फ्रेंच फ्राइज से अच्छे कमा रहे हो। तुम्हारे रेसिपी के बारे में हमारे गांव में भी बातचीत कर रहे हैं, जानते हो? दिखाओ अपना फ्रेंच फ्राइज, हमें भी थोड़े चखने दो। विलास राव, आपकी बेटी को 200 रुपए देकर टोकन लीजिए, आपको 2 बैम्बू फ्रेंच फ्राइज पार्सल करके देता हूँ। यूं कहा जोगेश दंग रह गया। पद्मा, पैसे दो डैडी, वो बेचारे मुझे मुफ्त में फ्रेंच फ्राइज देते हैं ना। यूं बोली जोगेश। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए सही बने हैं, कहकर पैसे दिया। विलास राव 2 बैम्बू लकड़ी फ्राइज से भरकर उसे दिया। इस तरह विलास राव बैम्बू फ्रेंच फ्राइज बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ा।